अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं सब यूट्यूबर फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। और आप सबको मामा द बेस्ट चैनल पर वेलकम। और आज मैं बहुत काम करने वाली हूँ, बेतहाशा घर फैलाने वाली हूँ। और है ना शरण, हम घर फैला रहे हैं ना और साथ में घर की सफाई भी होगी। तो घर की सफाई नहीं हो रही, घर में हो रहा है कलर। तो ये घर अभी हम पेंट करने वाले हैं और रूम मैंने अभी खाली करने वाली हूँ। काफी सामान मैं निकाल चुकी हूँ, मजीद उसमें अब सामान निकलेगा तो वो मैं आपको दिखाऊंगी, शेयर करूंगी। और हम कर रहे हैं उसमें पेंट, और पेंट जरा थोड़ा डिफरेंट भी करेंगे, एक वॉल भी बनाएंगे उसमें अच्छी सी, तो फिर आप देखिएगा। और सारा मैं और मेरा बेटा मिलकर काम करेंगे, तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे जो जो काम करते रहेंगे। तो हमारे साथ इसी तरह वीडियो में बने रहिएगा, आखिर तक लास्ट तक वीडियो देखिएगा, और वो अच्छी लगे तो फिर आप उसे कर दीजिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब। यस, तो ये सब आप हमारे साथ रहें और आए। चलिए मैं दिखाती हूँ कौन सा रूम मैं कलर करने जा रही हूँ, और फिर जब मैं पूरा घर रेनोवेट कर लूंगी तो फिर आपके साथ होम टूर करवाऊंगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो गाइस, ये वाला रूम है जिसे हम मेकओवर करने जा रहे हैं। और इस रूम को आप देख लें, ये इसका साइज माशाल्लाह 12x16 का है और काफी बड़ा रूम है ये। तो इस रूम की एक वॉल पर हमारे जो नीचे वाली साइड है, पहले तो ये दिखाया आप वीडियो में, तो ये नमक वगैरह छोड़ रही है और इसमें सीलिंग वगैरह आती है, तो ये भी हम रिपेयर करेंगे और इसका भी तरीका बताएंगे कि इसमें हम क्या करने जा रहे हैं और किस तरह से थोड़ी बहुत सीलिंग रुक जाएगी। वैसे सीलिंग कभी भी नहीं रुकती, ये मुझे हर एक ने बात कही है और ये मेरा अपना भी है एक वॉल के साथ एक्सपेरिमेंट, के सीलिंग नहीं रुकती। सीलिंग जब आ जाती है वॉल पर तो वो आती ही रहती है, बस ये है कि हम उसे कलर कर करके डिफरेंट उसको सेटिंग करते रहेंगे और वो इस तरह से चलता रहता है सिलसिला। तो ये पूरी छत वगैरह भी मेरी सारी है, छत पे भी ये सारा कलर होगा, सारी वॉल वगैरह इन सब पर काम होगा। तो देखें कैसा करते हैं हम काम और किस तरह से होता है ये काम। तो बस आपने हमारे साथ पूरी वीडियो वॉच करनी है हमेशा, जब जब मैं इस रूम की वीडियो अपलोड करूंगी तो आपने लाजमी देखनी है। ओके, खाली हो गया, ये भी मैंने यहाँ लाके लगा दी है। तो फिर इंशाल्लाह पेंट करेंगे हम और कल परसों से स्टार्ट कर देंगे पेंट करना। पहले छत का पेंट होगा, फिर उसके बाद वॉल का होगा, फिर इसमें जो जो चीज़ें अप्लाई करेंगे वो सब शेयर करूंगी मैं आपसे इंशाल्लाह ताला। तो ये रूम बनाने के बाद फिर हम आएंगे बाहर लाउंज एरिया में। लाउंज एरिया को बहुत दफ़ा मैंने 2-3 दफ़ा पेंट कर दिया, लेकिन इस वाली दीवार को शायद मैं चेंज कर दूँ, आप देख रहे हैं। तो ये वाली दीवार भी बनाएंगे। तो अब हमने उठा लिया है जिम्मेदारी घर को साफ करने की, साफ से मुराद ये कि पेंट करने की। घर मेरा पेंट नहीं था और इसके दो रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न तो पैसे, पैसे होने चाहिए मुकम्मल आपके पास पेंट करवाने के लिए, लेकिन इस इंतज़ार में मैं चलती आई और इसको लेकर चलती रही। अब बच्चे बहुत ज़्यादा इससे फेडअप हो गए, कहते हैं मम्मा बस पेंट करना है हमें अपने घर को। तो मैंने चलो घर का बहुत सामान हमारा फालतू, उसको मैंने बेचना शुरू कर दिया। जी हाँ, उसको निकाला, उसके पैसों से मैं पेंट करवा रही हूँ घर के। तो ये चल रहा है सिलसिला। खैर, तो ये दूसरा रीज़न ये था कि मेरे इस वाले बराबर वाले घर में भी कोई नहीं है, खाली प्लॉट है, पीछे भी खाली प्लॉट था, साइड में भी खाली प्लॉट था। तो मेरे घर के दाएं बाएं प्लॉट थे, ये रिहाइश नहीं थी, घर नहीं बने हुए थे, बरसात आती है, सीलिंग आती है, तो इस तरह से ये दीवारें ना मुझे अनकंफर्टेबल लगती थी कि मैं कलर करूंगी और ये सब खराब हो जाएगा, क्योंकि पिछली वाली साइड में प्लास्टर नहीं हुआ, सिर्फ ईंटों का ब्लॉक का इस तरह से वो बना हुआ है। लेकिन अब बहरहाल इस वाली साइड में तो रिहाइश हो गई है, पीछे भी हो चुकी है, एक साइड अभी बाकी है,
लेकिन नो प्रॉब्लम, अब हमने सोच लिया कि बस अब हमने रखना है घर को पेंट करवा के। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इंतजार कीजिए क्या क्या हो रहा है। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आपको पेंट करते हुए दिखाएंगे, फिर हम पेंट वाले हुए हुए होंगे। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, और जो हम पेंट करेंगे वॉल पर आप देखते रहिएगा, दुआ में याद कीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।